आनंद तीर्थ ने अपनी स्वयं की चालाकी और धोखे से ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो हमेशा गौतम की भौतिक उपस्थिति में मौजूद रहे। गौतम ने उसे चेतावनी दी, जीवन को ऐसे नियंत्रित करना ठीक नहीं है। तुम मुझे नियंत्रित कर रहे हो, जैसे एक पत्नी अपने पति को नियंत्रित करती है। चूंकि आनंद तीर्थ गौतम के बड़े भाई थे, तो भिक्षु बनने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी गौतम के सामने। उन्होंने कहा, अभी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें जो चाहूं वो करने का आदेश दे सकता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा तब मेरे पास ऐसी ताकत नहीं होगी, तो मुझे इस अधिकार का इस्तेमाल करने दो। और अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब मैं तुम्हारा भिक्षु और शिष्य बन जाऊंगा तो तुम मुझे कभी भी अपनी प्रत्यक्ष मौजूदगी से दूर नहीं भेजोगे, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम कभी ये नहीं कहोगे कि वहां जाओ, वो करो, ये करो, तुम हमेशा मुझे अपने पास ही रखोगे। गौतम ने कहा, तुम मुझे पत्नी की तरह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कभी किसी से प्रेम नहीं करोगे, तुम्हें कभी ऐसा नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे कल्याण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक बड़े भाई के रूप में तुम मुझसे मांग रहे हो और अगर तुम जोर देते हो तो मैं इसका पालन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आनंद ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी प्रत्यक्ष मौजूदगी में ही रहूंगा। उसने इसे हास्यास्पद स्तर तक खींच दिया। गौतम की प्रत्यक्ष मौजूदगी में रहने की इस चाह को वो हास्यास्पद स्तर तक लेकर चला गया। एक मौका ऐसा आया जहां 8 साल के बाद गौतम अपनी पत्नी यशोधरा से वापस मिलने गए, जो पहले उनकी पत्नी थी। यशोधरा बहुत ही स्वाभिमानी महिला थी। गौतम जो उस समय उनके पति थे और यशोधरा के पास एक बच्चा भी था, गौतम उसे बताए बिना आधी रात को चोर की तरह घर से निकल गए। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास उसका सामना करने का साहस नहीं था। अगर वो उसकी आंखों में देखते तो सत्य की खोज में जाने का उनका संकल्प डगमगा सकता था। अगर वो अपने बच्चे की ओर देखते जब बच्चा जाग रहा होता और उन्हें पिता कहकर बुलाता तो उनकी जानने की लालसा डगमगा सकती थी।